हमेशा की भांति तीसरा ये मेरा इस बार का लोकसभा चुनाव तीसरा चुनाव था, और पिछले दो बार को अगर हम देखें 2009, 2014 और 2019, इन तीनों चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पोलिंग परसेंटेज है वो हरियाणा में हुई, और ये इस बात को दर्शाता है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र की जनता है वो अपने वोट के अधिकार के प्रति, मताधिकार के प्रति बहुत सजग है, और लोकतंत्र के सजग पहरी के रूप में वो हमेशा एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इसलिए इस बार भी पोलिंग परसेंटेज जो रही है वो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में करीबन 76% पोलिंग हमारे यहाँ हुई है, तो मैं सभी सिरसा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और तमाम हरियाणा वासियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया, और मेरा विश्वास है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जनता के समर्थन, सहयोग और संपूर्ण आशीर्वाद की बदौलत जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने जो वायदा खिलाफी की उस वायदा खिलाफी को उलटते हुए जो हमने वायदे किए हैं, चाहे वो 72,000 गरीबी पर वार का मामला हो, चाहे किसान गरीब के कर्जे माफ करने की बात हो, चाहे किसानों का अलग बजट हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बजट को दुगना करना हो, नौकरियां अगले मार्च से पहले पहले भरनी हो, सारी सरकारी नौकरियां, तो एक प्यार प्रेम का सौहार्दपूर्ण जो वातावरण खत्म में सरकार ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किया हरियाणा को बार बार गिरा करके, उसको मैं समझता हूँ कि दोबारा सही ट्रैक पर हम लेकर गए हैं, और इस लोकसभा चुनाव के बाद 3-4 महीने बाद जो चुनाव है उसकी भी एक तरीके से आधारशिला पूरे हरियाणा के अंदर रखी गई है, और इस जीत की जो आगे लाइन है उसको और लंबी हम खींचने का काम करेंगे। दाऊजी जिसके की चुनौतियाँ कम नहीं थी, धन बल पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, हमने तो परसों रात को भी 2:18 और मैं भी अधिक जो मीटिंग थी इलेक्शन ऑब्जर्वर जिसने जो उन्होंने ली है सारे अधिकारी थे उनके सामने भी मैंने बात कही कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी पार्लियामेंट में, दोनों डिस्ट्रिक्ट तीनों डिस्ट्रिक्ट या पूरे हरियाणा में कहीं भी है, उनको और ज़्यादा संजीदा और संवेदनशील होना चाहिए। 2:18 पर परसों रात को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है उनकी खुद फैमिली पैसे बांटने में लगी हुई थी, दारू बांटने में लगी हुई थी, हमारे कई लोगों के साथ उनकी उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं उनकी झड़प भी हुई, हमारी गाड़ी भी उन्होंने छोड़ने का काम किया, तो जो गुंडागर्दी का रोल था वो उन्होंने से अब भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गया। मैं वीडियोग्राफी वगैरह जो भी होगा वो तो देंगे, लेकिन 2:18 पर मैंने परसों रात को SP को फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं आया। परसों शिकायत थी जब वो सारे पोलिंग ऑफिसर्स जा रहे थे कि उनके वोट नहीं डलवाए जा रहे थे, बैलेट में क्या टेंडर वोट होती क्या बोलते हैं उसको, कर्मचारियों का जो वोट होता है पोस्टल बैलेट उनके डलवाने नहीं है। मेरे खुद कर्मचारियों के 6,000 कर्मचारियों की तरफ से अधिकतरों ने शिकायत की कि सिर्फ 6-7 लोगों के ऑनलाइन ये करें भरने के लिए, पहले हमें बताया नहीं और बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन तमाम कर्मचारियों के अधिकारियों के वोट फाइनली डले हुए, लेकिन मैं पूरा दिन DC साहब को संपर्क करता रहा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है सिरसा के, उन्होंने कोई उसका नहीं, उनके घर में ऑफिस में हो गया, मैंने अभी ऑफिशियल ये बोला कि आपको मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और इस तरीके से अब आगे चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का काम करें। जीत एक तरफा होगी कांग्रेस की बावजूद इन तमाम उसके भी, और मैं समझता हूँ कि नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में। दबाव में काम किया या नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि दबाव तो रहता ही है सरकार का, लेकिन जनता के ऊपर कोई दबाव नहीं था।
और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह दिखाने का काम करेगी। जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंस है, कितने लीड लेते हैं? चार है, मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ, संघर्ष का चेहरा देखिए अशोक तंवर का, 1000% हम यहाँ इस संसदीय क्षेत्र से भी और दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से भारी बढ़त के साथ जीत हासिल करें। अब जीतने से जिताने जीत जीत है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एक वोट की जीत भी आपको संसद में पहुंचाएगी और एक वोट की हार भी आपको फिर दोबारा संघर्ष के लिए प्रेरणा देगी। तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग संघर्ष के लिए तैयार हो। हमने तो 5 साल बहुत संघर्ष किया, हम तो सरकार में भी संघर्ष करते हैं, 18-20 घंटे नॉर्मल काम करते हैं, तो दूसरों को पता चले कि एक एक वोट कितनी भारी है, कितने कितने क्विंटल की है और उसको कैसे संभाला जाता है, हमें तो समझ में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए सीख है। जो लोग सत्ता को हलवा समझते हैं और बड़े बिना दांत दूध चलाए खाना चाहते हैं, ये बड़ा कठिन काम है और अनुभव से ही पता चलता है कि कितना कठिन है। चुनाव प्रचार आपने खूब किया, खूब मेहनत की, थकावट हुई, उसे दूर कैसे कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? 25 साल से यही मजदूरी करी है, क्या थकान होती है। वैसे और दिन एक एक दिन से घंटा सोते थे, आज 5-6 घंटे सो लिए, खत्म कहा नहीं। अब कल से फिर दोबारा प्रचार शुरू, कल पंजाब, हिमाचल, दूसरी जगह जहाँ भी चुनाव है, हमने तो आज ड्यूटी लगा दी सबकी, जाकर के बठिंडा जो हमारी नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हमारा छोटा भाई लड़ रहा है राजा बराज, जाकर के वहाँ मदद करें। कल प्रियंका जी वहाँ पर आएंगी, वहाँ भी जाकर के सारे साथी जो भी सबकी रिश्तेदारियाँ हैं, और इस तरीके से जहाँ भी हरियाणा कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र धन को छोड़ करके जो हमारे पास नहीं है, सब तरीके से पूरी तरीके तैयार है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं? भैया, स्ट्रॉन्ग रूम में हमने कल भी साथी भेजे थे, अभी कल पानीपत में कुछ ईवीएम पकड़ी गई है, 2-3 ट्रक। अब बहुत सी शंकाएं तो है और मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को मैंने कहा भी है कि पूरा ठीकरी पहरा दे, चारों तरफ राउंड द क्लॉक मामला घुमाते रहे, आस पड़ोस में भी कोई अगर गाड़ी मिल जाती है तो उसको आग लगा दे, इस तरह की गाड़ी जिसमें गड़बड़ है कोई नहीं छोड़ना है, गड़बड़ वाले मशीन को या कोई भी इस तरह का मामला मिल जाता है, कोई और पकड़ में आ जाता है तो उसका पक्का इलाज कर दे। लोकतंत्र से खिलवाड़ वो नहीं चलेगी, लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस करेगी। क्या है, गोलियां चली है, पता है बाद में कौन चलाने वाले को पता नहीं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो बाजवी वोट जो ज्यादा हल्ला करती है एक वो होती है, तो होता है साइलेंट वोट, तो साइलेंट हमारे पास थी, सब मैरून की तरह उन्होंने काम किया और वही सब साथी मिलकर के जिताने का काम करें। जो बस्ती थी वोट वो अब इनेलो की बजाय अब बीजेपी में चली गई, तो उनका काम खराब करना होता है और वो अपना काम करेंगे, हम अच्छाई के लिए काम करेंगे। बहुत